आपने अपने लिए बुला के और मेरे आगे रख दिया। कितने झूठ बोलते हैं उसके, कुछ बता रहे हैं उसके कुछ। यहाँ का लोकल फोन लिया 32,000 का। मैं मीशो को हाथ लगाया नहीं और उसके बाद तुम्हारा कैमरा पूरा डिलीट कर दिया। बहुत खुश है, बहुत जमाने के बाद इकट्ठे होंगे तो फन टाइम होगा। तो तीसरा जो सोफा है उसकी स्ट्रगल हो रही है। आप हमें सरप्राइज दें, हमने आप लोगों को दे दिया सरप्राइज। को याद है ये पीली टैक्सियां, कौन रहते हैं कि खान भाई चलाते हैं इन सबको और वो ही चलाते हैं। और भी तक अब कोई चीज इनकी ना मीटर ना गेज ना बत्ती ना लाइट, बस ऐसी थोड़ी सी एक लाइट होती है और उसके ऊपर ये चलाते हैं। इंजन को ठीक रखते हैं बस, इंजन और ब्रेक है बस। हम स्टक हो गए हैं ट्रैफिक में, वहाँ से निकल गए थे और फिर आपको डिटेल बताएंगे सारी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज की हुई सुबह चाय की भाई के घर, जावेद भाई के घर। हम लोग वॉक करने के लिए, मैं जेदी भाई और जैद। वापसी में उन्होंने कहा कि हम पराठे लेके आ रहे हैं, तुम जाओ चाय बनाओ, पराठे आपको दिखाते हैं मज़े। चले ये जेदी जो लाए अंडे के ऊपर पराठा लगा हुआ। पराठे के ऊपर अंडा लगा कि अंडे के ऊपर पराठे के ऊपर अंडा है। टिश्यू लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम टिश्यू से हम समझते हैं कि ऑयल निकल गया सारा। तो ऑयल हमारा निकल चुका है, उसकी परेशानी ना ले आओ। अच्छा सारे अंडे वाले हैं क्या? नहीं खाते। अच्छा ये जो लच्छे का ख्याल रखा सही, उनके पीछे सही, ऐसे ही खाते हैं। तो फायज भी कहाँ चाय पीता है, वो जहर के साथ लग गया चाय पीना। हाँ जहर कैसा है? आप नहीं खा रहे, आंखें बंद कर रहे हैं कि आप खा नहीं रहे? जब ज़्यादा डॉमिन नहीं करें उन्होंने कह रहा है कि हार्ट अटैक का सामान खा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसा जाएगा। फटाफट मलाई उठवाई, आपने अपने लिए बुला के और मेरे आगे रख दी। कितने झूठ बोलते हैं, ये निवाला किसने लगाया आपने? ये ना प्लेन पराठे से खाने का मतलब, सादे पराठे। अब वो जेदी भाई ने कहा है कि वो कसर ना रह जाए ना, बात करना है मेरी तरफ है ना टेस्टी, बस इसलिए खानी नहीं चाहिए ना, फिर बंदा दिल करता खाओ। ये इस ऑयल से तो बेहतर है वो, ये जो आपका ऑयल का है इससे तो बेहतर है। इस ऑयल से तो यूज़ है भाई, हाँ ऐसे ना बहुत बेहतर है। ले आओ कुछ और ले, इस दफा फिर लेके आने वाले जैद। क्या है कोकड़ू जैद, ये सुनते जाया करें आप। कोई को, कोकड़ू की कोई मुझे डेफिनेशन तो इसी को बता है, मुझे भी सबसे पूछा नहीं पता। ठीक है, नहीं पता मे भी, मैं गलत असी अपनी बीबी को अम्मी से सुना। कोकड़ू उसको कहते हैं, ये चने हैं, ये चने हैं, आराम से आप खा रहे हैं, लेकिन इसमें एक दाना ऐसा होता है ना वो गलेगा कि ना वो दादू से टूटेगा जैसे पत्थर होता है, उसको कहते हैं कोकड़ू। मसूर की साबुत दाल है, उसको आप पका रहे हैं, साबुत पूरी गल गई, आप खा रहे पता चले कड़क करके चीज दांतों के नीचे, आपका दांत स्लिप हुआ। क्या पत्थर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वो मसूर का दाना निकाल के देखो, उसको बड़ी मुश्किल है, थोड़ा मारो तो शायद टूट जाए, उसको भी कोकड़ू कहते हैं। अगर किसी के नॉलेज में है तो बताए कि हाँ असल पंजाबी दी ज़बान। चलो ये बताएं कि जैद सही कोकड़ू कह रहे हैं या कुछ और ही कहते हैं? मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है कोकड़ू। कोकड़ू ये पंजाबी जैद के लिए यही आता है कि सही बता रहे हैं। नहीं ये खास तौर पे हमारे जो ईस्टर्न पंजाब जो सरदार भाई उनको बिल्कुल पता होगा, ये असल पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है, उनको तो पता होगा। चले आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कोकड़ू कोकड़ू नाम रख लें उसके, कुछ बता रहे हैं उसके, कुछ बता रहे हैं, सबके अपने अपने नाम हैं उनके। मैं और भाभी आए थे मिठाई लेने, लाइट नहीं है, कह रहे हैं आधा घंटा लगेगा, फिर एकदम से लाइट आ भी गई। अच्छा जनरेटर चला। वो पंजीरी, अच्छा ये मुझे लग रहा है तुम काजू बादाम का कुछ है ना, ये वाला खजूर भी है, खजूर भी, ये भी खजूर का कुछ लग रहा है, अंजीर का लग रहा है, अंजीर और मूँगफली दिख रही है। पता नहीं कितने किस्म के ये अखरोट का वो वाला अखरोट, ये काजू की बर्फी। जैद की तरक्की हो गई तरक्की या हम भी ये पाकिस्तानी तरक्की, पीटीआई ने धमकियां दे दे के
पीटीआई नहीं, पीटीए, पीटीए जैसे जैसे कह दिया पीटीआई पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जी, इसको आप वो करवाओ और टैक्स पे करो। इसका टैक्स पूछा जो मेरा 3 साल पुराना मोबाइल है उसके ऊपर कितना, 1,15,000। मैंने कहा इतना बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ और इतने पैसे वाला भी नहीं हूँ मैं। ये 32,000 का, 32,500 का फ़ोन दिया, यहाँ का लोकल फ़ोन लिया 32,000 का, वो सिम उसमें से निकाल के इसमें डाल दिया। अब इसमें मामला खत्म, पीटीए से डिस्कनेक्ट कटी है, अब ये कटी हो गई, पीटीए अप्रूव है, बस इसको चलाएंगे। थोड़ा सीखने में मुझे टाइम लगेगा, इसमें 32 में हो गया। तो रीज़न ये भी, अगर इसका टैक्स पिलाएं और साल बाद आप इसको मैं चेंज करूं तो फिर आपने 150 पता नहीं 1,40,000 तक पहुंच जाना है इसमें। तो कहने की बात यह है कि निहाल साहब बैठे हैं पीछे, उन्होंने भी सेम फोन अपने बाबा के लिए गिफ्ट के लिए लिया है। नहीं तो ये तो मेरी वीडियो लगती बाद में, भाईजन के लिए गिफ्ट लिया है, मेरे सामने देना, मैं भाईजन का रिकॉर्ड करूँ। हाँ आएंगे ना, कल परसों आ रहे हैं ना। सेम सेम का ये। हाँ तो ये भाईजन के लिए, निहाल ने बेटे ने अपने अब्बू के लिए लिया। बीटी का ये तो कोई साइन है ना कि ये ऑलरेडी अप्रूव है, क्योंकि जो कंपनी है यहाँ इसके बगैर सेल भी नहीं कर सकती जो कंपनी यहाँ। अब सबके सेम ही हो गए, सबके पास तुम्हारे लिए भी अब लेना है? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे मुझे क्यों? और ये अब जब तुम्हें टैक्स आना शुरू, जब आएंगे टैक्स, मेरे पास वो बटन वाला है ना वो यूज करूंगा। नहीं बटन वाला तो मैंने खुद अभी ये वाला यूज करूंगा। हाँ वो तिजोरी में डाल, ये वाला मैं यूज करूंगा। पिछले साल पूरा ये यूज किया, जितने अरसे अपन यहाँ रहे ये यूज करा, तो मैं तो ये यूज करूंगी। तो ये अच्छा, तो मेरा ये नहीं, मैंने देना तुम्हारा, मेरे पास भी ऐसा ये बटन वाला दूसरा। आज भाभी ने बनाई थी बिरयानी और ये जैद की जो मिठाई। अब मैं मीठे को हाथ लगाया नहीं और उसके बाद तुम्हारा कैमरा पूरा मीठा। आपकी मिठाई मैं दिखा रही हूँ कि आप कितनी खा रहे हो। खाना नहीं खाया घर जैद ने रात का, मिठाई का बस सही है। चमचम जो मंगवाई है आपने वो आपको अपडेट ये करनी थी कि हम अभी कराची में हैं, जैद गए हैं गाड़ी देखने के लिए, नई खरीदने के लिए। मैंने पहना था न्यू लॉन का सूट, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। इसका दुपट्टा डार्क ब्राउन है और वो है पूरा, आप ये देख लें कितना खूबसूरत सा मेरा सूट है। और किसी की कंप्लेन भी आई थी कि आंटी आप वैसे तो हिजाब लेती हैं लेकिन सूट दिखाती रहती हैं, तो सूट दिखाने में और हिजाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि सूट दिखाने से आपको क्या इशू है। और हिजाब मैं किसी के लिए नहीं लेती हूँ, अपने लिए लेती हूँ स्कार्फ या सर पर दुपट्टा, तो उसका भी किसी से किसी के साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को तो मुझे गुड कमेंट करने चाहिए ताकि मैं स्टे मोटिवेटेड होके और इसको फुल हिजाब में ले आऊँ। खैर एनीवे चले, मैंने कंप्लेंट के लिए कॉल नहीं खोली थी, मैंने खोली थी कि ये आज की स्टोरी आपको बताऊँ क्या हो रहा है। आज ये 2-3 दिन का एक्चुअली ब्लॉग मिक्स है। तो आज जैद और भाई गए गाड़ी देखने के लिए, नहीं देखें क्या शॉप, वैसे तो उनकी रूटीन है कि वो गाड़ी खरीद के आते हैं लेकिन आज क्या होता है पता नहीं क्या होता है। और आज आएंगे जेदी भाई के नए सोफे, हमारे सोफों के साथ तो हुआ फ्रॉड, वो भी एक पूरी स्टोरी है जो कि मैं पिछली वीडियो में डालूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये जेदी भाई का लाउंज है, वो जो डाइनिंग रूम कह लें या लिविंग रूम कह लें, क्या कहते हैं आप लोग इस बैठक को क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम, तो ये वो है। और माशाल्लाह बहुत बड़ा सा है और ये पर्दे पहले से लगे हुए थे, यहाँ पहले कारपेट था वो निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं, तुम नहीं आ रही थी? नहीं नहीं, और भाभी ने पर्दे धुलवाए थे तो हुआ क्या, पीछे से ये श्रिंक हो गया, कॉटन होता है पीछे लगा हुआ तो वो श्रिंक हो गया, तो ये पर्दे ऊंचे नीचे हो गए। अब भाभी बेचारी को खोलने पड़ रहे ताकि थोड़ा सा नए सोफे रख के ये अच्छे तो लगे, ऐसा ना लगे कि क्या हो गया, ये देखें किस तरह से हो गया। अब ये सारी सिलाई उधेड़ के इनको किया जाएगा सही और इंशाल्लाह आपको सबको दिखाएंगे यहाँ पे नए सोफे। तो अभी देख लें बिफोर और आफ्टर। ये मेरा 1 पॉइंट वाला सूट है और ये मैंने लास्ट ईयर बनवाया था यहाँ से, महीना नहीं था क्योंकि एमरजेंसी में हम चले गए थे, तो आजकल गंदगी ने दोबारा याद करा दिया कि गंदगी बहुत शदीद है। बहुत सिंपल सा है और बहुत इसकी सिंपल सी है, बेलें लगी हुई हैं यहाँ पे भी, कुछ बेल लगी हुई है, ये इसका स्लीव का डिज़ाइन है और दुपट्टे पे इस तरह की बेल लगी हुई है। पांचे भी इसी तरह के सिंपल से हैं लेकिन गर्मी का हिसाब ऐसा है कि विंटर की सेलें लग रही हैं, मेरे ख्याल शुरू हो गए कपड़े लेकिन पहन नहीं सकते अभी तक, मेरे ख्याल 40 डिग्री से और बहुत शदीद गर्मी है। और
भाभी का कहना ये है कि आपके सबके सवाल हैं कि जैद की मंगनी होगी। चले ये तो मैं हालांकि आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ किसकी मंगनी है, आप लोग फिर पूरी वीडियो सुनते नहीं है और फिर कह देते हैं उजैर की मंगनी। चले जाके देखें किसकी मंगनी है, लेकिन उजैर की मंगनी नहीं है यहाँ पर क्लियर। लेकिन फन टाइम है मेरी बारिश माशाल्लाह, खुद ही बहनें इकट्ठी होंगी, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़माने के बाद इकट्ठे होंगे तो फन टाइम होगा इंशाल्लाह। थोड़े मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ कि क्या हो रहा है क्या। फिलहाल तो आज जेनी भाई का ज़बरदस्त किस्म का सोफा देखें। चले आज भाभी ने बनाया है कीमा मटर और शिमला मिर्च का सालन। मुँह में पानी आ रहा है मेरा मटर सुन के। और चिकन का वाइट कोरमा, और मैं तो अभी खा लूँगी इसलिए कि उजैर लोग ये लोग सब देर से आएंगे। मैं मुझे भूख लगी, मैंने नाश्ता जल्दी किया था तो मैंने अभी खा लिया। आप बताएं कि आप लोग कीमा मटर आलू किस तरह बनाते हैं मिक्स कर। मटर शिमला मिर्च मैंने तो खाना ले लिया है क्योंकि आज हमारे खाने की टाइमिंग कुछ अपसेट हो गई। हमने सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था, भाभी वालों ने देर से किया तो इसलिए आज मैं अकेली खा रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मुझे भूख लगी है तो मैं भी खा रही हूँ। और यूँ कह लें कि मैं फ़ैट हो गई हूँ जो कि खाते जा रही हूँ, इतनी फैट हो, फैटनेस की बीमारी हो गई जो खाते जा रही हूँ, खाते जा रही हूँ हर चीज़। अपडेट ये है कि खाना खा के हमने की गपशपें और चाय बनवाई फाइका से। और अपडेट ये है कि जेदी भाई का फ़ोन आया, सुमामा का भी वहाँ से मैसेज आया अम्मी को उसकी कि बारिश हो रही है। आप सोचें कि हम यहाँ पे हैं कौन से कैंट में, चले मलीर कैंट में बारिश हो रही है और बहुत शदीद हो रही है, गुलिस्तान जो है और हमारे यहाँ पे धूप और गर्मी का बोल बाला है माशाल्लाह। और फिर भाई ने ज़ाहिर है सोफे वालों को फ़ोन किया कि वो नहीं भेजना, ऐसा ना हो रस्ते में कहीं बारिश हो सोफे ख़राब हो जाएंगे। तो लग रहा है सोफे तो आज कैंसिल हो गए, तो आज का दिन भी इसी तरह का चढ़ा है हर लाइक। अब देखें गाड़ी समामा ने बताया कि आलमोस्ट उनकी बातचीत चल रही है, लग रहा है कि कुछ पसंद आ गया, अभी फाइनल नहीं है उसका भी कुछ, तो देखें हो सकता है उनको पसंद आ गई हो। तो कहने आपने आज शाम में चाय पी या नहीं पी, कितनी चाय पी थे आप जाके कॉमेंट करें तो फिर मैं अपडेट देती हूँ आपको कि क्या हुआ क्या नहीं। चलें अपडेट ये है कि फर्नीचर वालों ने अपनी जगह चेक की तो वो वेदर चेक किया, उन्होंने कहा आपके एरिए में बारिश नहीं है तो वो डिलीवर कर रहे हैं, तो फाइनली वो आ गए हैं नीचे। तो अब सोफ़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कैसा लगेगा। मैंने पिक्चर्स में देखा हुआ है जब ऑर्डर किया था भाई भाभी ने, लेकिन आज पर्सनली देखेंगे। अभी मेरे बाल थोड़े से फाइका ने बनाए थे एंगेजमेंट के दिन की तैयारियों के लिए, तो आज हम पार्लर भी जाएंगे और चेक करेंगे कि वो लोग मेरे बालों के लिए क्या कहते हैं। हम लोग को बालों के लिए और मेकअप के लिए बुक करना, तो ज़ाहिर है फिर मैं आपको भी साथ लेके चलूँगी कि क्या होता है, किस तरह के मैं बाल बनवाऊँ ताकि मेरा दुपट्टा भी टिक जाए और सब कुछ हो, ये भी आपने बताना है। और चले सबसे पहले तो फर्नीचर को वेलकम करें उसके बाद में बाकी बातें। चले जी हमारे आगे हैं सोफे और देखें यहाँ से आते हैं या वहीं से चले जाते हैं, वहीं से चले जाएंगे मुझे लग रहा है, हाँ लगता ऐसे है कि वहीं से चले जाएंगे, नहीं यहीं से आएंगे वहाँ से जाएंगे। बड़ा लग रहा है ये देखना, इसको देखा बताना, हाँ शीशा शीशा देखा है, शीशा शीशा आ रहा है, हाँ हटा दो शीशा, निकल जाएगा नहीं निकलेगा, निकल गया चलो सही, हाँ निकाल दिया निकाल दिया आप। आज कितनी एक्साइटमेंट होती है ना न्यू फर्नीचर की, मैं तो खुद ऐसे हो रही हूँ जैसे मेरा फर्नीचर आया हूँ। देखें दरवाज़ा और ये आएगा ही नहीं, पाया फंसेगा कि नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। सही है तीन वाले हैं ना, ये दो वाले हैं। कलर कोई कौन सा है, वही है कि नहीं दूसरा, वही कलर है। कलर का बहुत इश्यू हुआ था रात को जब तस्वीरें आई, लग रहा था ब्लू लग रहा था तस्वीरों में, अब ये है कि
हाँ नहीं ग्रे है वो तो तस्वीरों में लग रहा था। वाह माशाल्लाह यार खूबसूरत लग रहा है जबरदस्त। पर्दों के साथ भी अंदर पर्दे तो चेंज हाँ करेंगे बिल्कुल बिल्कुल पर्दे थोड़े चेंज करेंगे। कारपेट का भी नहीं था वो नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ऑलरेडी कमरा एक सोफे से ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ पूरा लकड़ी पे ये चेक कर लो फिर इनका होता है आपने उस वक्त क्यों नहीं चेक किया ये वो सारा। अब जैसे हमारा जब हम वो रख के चले गए थे तो नीचे से टूटा हुआ था लास्ट ईयर जब हमने देख नीचे से हमारा बिल्कुल टूटा हुआ था। हाँ तो फिर आए उस वक्त उन्होंने फिक्स किया तो हाँ चेक कर लो भाई। अच्छा ये कलर डिफरेंट है या लग रहा है? अच्छा ये देख कंट्रास्ट में अच्छा लाइट और डार्क। अच्छा 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 हाँ सही है नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा। तो तीसरा जो सोफ़ा है उसकी स्ट्रगल हो रही है कि वो किस तरह आएगा लेकिन ले आए वो अंदर किसी भी तरह से शाबाश। आई ये क्या है ऊपर अब लगाओ आ जाएगा इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं बेचारे। हाँ हाँ ही गया माशाल्लाह हिम्मत है इन लोगों की माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा ही आ गया माशाल्लाह। दोनों मिलो ना दो दो खुशखबरियाँ हैं जैसे सेहत ने कार भी ले ली माशाल्लाह और यहाँ पे और वो समरा लगे हुए सेटिंग करने अब नीचे वालों को पता लगेगा कि ऊपर सोफे आए अंदर जाए बाहर कैसा है आप हमें सरप्राइज दें हमने आप लोगों को दे दिया सरप्राइज माशाल्लाह माशाल्लाह ये तो घर है सही बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। मैं तो तुम्हारे सोफे देख के अपने सोफे के लिए घबरा गई हूँ कि इससे ही कमरा भर गया वो तो 14 सीट उसका क्या बनेगा वो एल शेप में स्मार्ट है। हाँ वही ना ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा सेटिंग अब तुम कर लेना हमें जैसे समझ आए वैसे कर। हाँ 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 नहीं 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 रेक्टेंगल 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 कैसे लगे जैद आपको? नहीं ये पहले से ही जैद भूल गए। हाँ हाँ प्लानिंग से लिया नहीं हम बड़े लोगों से मुकाबला नहीं करते बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। कमरा पूरे का पूरा कैसे नहीं नहीं बहुत देखे एकदम से चेंज हो गया ना कमरा अभी तो टेबल सेंटर आना है वो जेदी ने स्पेशली मैचिंग का बनवाया ना इस वुड का और नीचे स्टूल्स लगवा के उसने बनवाया टेबल सेंटर या सेंटर टेबल सेंटर टेबल माइंड ओके वैसे आप बैठ जाएं तो मैच भी हो रहे हैं ये सही है मैच हो रहे हैं। हाँ बैठ के इफ्तिताह तो करें माशाल्लाह है ना। दो चीजें आज हो गई आज गाड़ी हम सुबह से वो भी ढूंढनी थी माशाल्लाह वो भी ढूंढ के और खरीद ली और वो खरीदी जो हमारे चुन्नू मुन्नू को जो पसंद थी उन्होंने कहा जहर को क्या होता है उजैर को उसने कान में डाली एकदम के भाई पॉइंट आउट की के स्पॉट की कह लो यूं कह लो कह लो कही भी तो मैं तो हैरान हूँ कि सभी के अंदर अंदर से इतनी ब्यूटीफुल है मैंने कहा मैंने कभी ध्यान नहीं दिया तो वो पता चला थी माशाल्लाह वो सभी ही फिर ली और बहुत ही खूबसूरत लगी थी अंदर बैठ के तो चलाया बोला तो अब ये कल उसके पेपर वगैरह वगैरह मनी ट्रांसफर सब कल होगा लोकल मनी दिया है तो उम्मीद है कल शाम तक ये क्लियर करते तो गाड़ी भैंस का दूध चाहिए ब्रेड्स की ऑप्शन देखें कितनी सारी है यहाँ पे बेकरी टाइम क्या खाना है कुछ खाना नहीं यार क्या खाएंगे अभी तो इतना खाया मीठा खाया खाएंगे नहीं सर पेनिया वो खाता है रमजान में सुबह सहरी में बस उसके अलावा नहीं पूछ लो कुछ खाना है मीठे का मुझे चले गए वापस रात की अपनी वो होती है दिक्कत
ये जो बजाते हैं ना टक टक, मैं एक दिन डर गई। ये वो लच्छेदार पराठे और समोसे नहीं, नहीं। हम आए हैं यहाँ पे करीब के पॉलर में इनसे पूछने के लिए कि अगर ये लोग मेहंदी के लिए कोई लड़की भेज सकते हैं या फिर उसके लिए।